अच्छा ना, तो मैं यही तो कह रही हूँ। स्टार्ट है, अब स्टार्ट हो जाएंगे। आज मेरा पहला पेपर है जो कि मैथ का है, और मैं आज जल्दी उठ गई थी ताकि मैं थोड़ी सी और तैयारी कर लूँ। और जो है आज जो है वो हमारे घर पे जो है वो बर्थडे भी है, और फातिमा की जो है वो बर्थडे भी है, और तो और बिस्मिल्ला भी है। सब कुछ जो है वो साथ 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 चल रहा है। और कल मेरा बायो का पेपर है, और आज जो है पामू की बर्थडे। तो बस अब बहुत ज़्यादा ये अजीब ही हो रहा है, बर्थडे भी है, पेपर भी है। लेकिन खैर वो तो अच्छा है कि लोगों ने घर पे किए, तो हमें भी थोड़ा ना रेस्टलेस फील हो रहा है कि बस सही है यार। तो अभी जो है वो टाइम हो रहा होगा, आई थिंक 6:30 ऐसे ही कोई कुछ टाइम हो रहा होगा। और बस अभी तो फिलहाल यही है, मैंने बस अभी अभी तैयारी की है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। सो यस, अब मैं ज़रा पेपर वेपर दे के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसएम जी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद आ रही होगी। अभी हो रहे हैं 7:24, और आज पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ स्कूल वालों के साथ फील्ड ट्रिप पे, TDS, ये। और यहाँ एस का भी छोटा बैग रखा हुआ है, क्योंकि एस के पेपर स्टार्ट हो गए। एस के 25 से हैं और मेरे 30 से हैं। तो अब चलते हैं फील्ड ट्रिप पे। 6 hours later. बताओ आज क्या है, बताएं हमको, बता दे। किसकी हैप्पी बर्थडे है? उनकी है। अच्छा ना, मैं यही तो कह रही हूँ। हैप्पी बर्थडे में क्या होगा? और केक कौन सा बंदे को दिया है आपने? सो फ्रेंड्स, ऊपर जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और सब यहाँ पर जो है वो बलून को फुला रहे हैं। वाओ, दोनों हाथों की दिखाएं, ऐसे करके दिखाते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे। ओ माय गॉड, इतनी प्यारी लली है। तो जो हम लोग बलून जो फुला रहे थे, तो उसका रिजल्ट ये था कि एक पूरी लड़ बनानी थी, जो कि झूला आप लोग जो देख ही रहे हैं सामने, उसके ऊपर हमें जो लगाना था। तो ये लड़ बन गई थी, तो अब बस ये फिक्स ही हो रहा था कि कैसे लगाएं। और जाहिर है लगते वक्त भी कुछ कुछ फटे भी थे। 4 hours later. मुझे देना। कैसी हैं आप? कहाँ है आपकी? और जोर से बोले हैप्पी बर्थडे। और आपकी जायरा भी आई हुई है। ये रही जायरा। अब एक तो इसे दुपट्टा पहना जा नहीं रहा था, और जब हम लोग इसको बोल रहे थे कि आप हम पहना दें, तो इन ये जो हमारी प्रिंसेस है ना, इनका मुंह भूल गया था, तो मतलब पहना ही नहीं जा रहा आप लोग। और मैं फाइनली आ चुकी हूँ। और फिर फ्रेंड्स, फातिमा की जो है वो बिस्मिल्लाह स्टार्ट हो गई थी। जब हम लोग ओहो ओहो कर रहे थे, तो ये ऐसा शर्मा रही थी, ऐसा मतलब जैसे कि दुल्हन बैठी है हमारी माइयों की। खैर, और फिर उसके बाद जो है वो दद्दू जो है वो इसकी बिस्मिल्लाह करवा रहे थे, और एंड में तो कह रही थी कि मुझे पेन दे दे, मैं खुद ही लिखूंगी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
ये आए बार बार दिल ये बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी मामा दादी मामा दादी ले लो। ए, मामा दीदी का गिफ्ट। और भाई फिर मैंने जो है वो इसको दिया गिफ्ट और ये ऐसी पागल हो गई थी ना, मतलब इसका बस दिल चाह रहा था कि बॉटल को अपने सीने से दबा के रखे, क्योंकि बस इसने अंदर देख ली थी कि बॉटल है। ओहो भाई मुझे बॉटल चाहिए मुझे बॉटल चाहिए, फिर उसको बॉटल निकाल के दी, फिर अपन ने बोला अभी रुक जाओ अभी रखो फिर ले लेना। फिर उसके बाद जो है वो बड़ी मम्मा और तमसील आ गए थे अपना अपना गिफ्ट देने के लिए, और फिर उसके बाद मैं वापस आ गई थी क्योंकि मैंने जो है वो पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करवानी थी, और फिर मुझे बोल दिया कि दीदी मेरी बॉटल कहाँ है मेरी बॉटल कहाँ है, फिर अभी मैं उसको निकाल के भी देती हूँ उसकी बॉटल। मतलब उसको बॉटल भाई बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। और फिर उतने में जो है वो गशारा भी आ गया था, और फिर गशारा भी आया, गशारा ने भी तस्वीरें ली, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो उठ गए थे मतलब सारी तस्वीरें खिंचवाने के बाद। और फिर उसके बाद जो है आप लोग इस स्क्रीन पे देखेंगे दद्दू और सुनीता को, जो कि हैं फातिमा के नाना और नानी। उन वो तो खैर माशाल्लाह उनके पास बहुत सारे गिफ्ट थे फातिमा के लिए, तो वो एक एक कर करके दे जा रहे थे, बैग बहुत सारी चीजें थी। और फिर अप्पो ने जो है वो दद्दू को एक सूट दिया, क्योंकि दद्दू ने जो है फातिमा की बिस्मिल्लाह कराई थी। और फिर यहाँ पर जो है वो फातिमा की मम्मा पापा सब आ गए थे, और फिर फामो के मामा और मामी। कपड़े गंदे हो गए यार, क्या हुआ है केक और फिर सेलिब्रेशन के बाद जो है वो हमारी चल रही थी पौड़ी और ये गाइस यहाँ पर मतलब इतनी सारी चीजें थी माशाल्लाह से, पिज्जा भी था बर्गर भी था फ्राइज भी थे क्लब सैंडविच भी था, मतलब मैं सोच रही थी मैं क्या कहूँ, और पास्ता भी था, मतलब मैंने तो फुल जो है ना मंड के खाए, जैसे कहते हैं ना मंड के, मैं टूट पड़ी थी खाने के ऊपर। और फिर उसके बाद केक बहुत ज्यादा जबरदस्त था, रेड वेलवेट था, और सब ने जो है वो बहुत अच्छा अच्छा खूब खाया भी है। एंड यस गाइस फिर उसके बाद जो है वो फार्मो के गिफ्ट्स खुलने लग गए थे, सब एक जगह जमा हो गए थे और मैंने चली गई थी। सो यस दिस वाज द व्लॉग, आई होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्लॉग को पसंद कीजिए और हमें ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। सो यस मिलती हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।